नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। यह उपाय या ये टोटका केले के पेड़ से करना है। केले के पेड़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आप केले के पेड़ से उपाय करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की बरसात होने लगेगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लेकर आते रहते हैं आपके लिए ही ऐसी जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे केले के पेड़ से किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों धन एक ऐसी चीज है जो जिसके जिस व्यक्ति के पास भी होता है उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने लोग ही उसके अपने शत्रु बन जाते हैं और उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज पैसे से ही इस दुनिया में आती है, इसीलिए धन का होना बेहद आवश्यक है। दोस्तों केले का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में केले बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। धन व समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। केले के पेड़ की नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा बहुत ही जल्दी फलदायी होती है। घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। केले के वृक्ष का सीधा संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। जिस किसी व्यक्ति को भी अपने जीवन में धन प्राप्ति की इच्छा हो उसे अपने गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना चाहिए। इसीलिए भगवान विष्णु की आराधना करना, केले के पेड़ की पूजा करना व बृहस्पति ग्रह को मजबूत किए जाने वाले सभी कार्य करना सीधे आपके घर में आर्थिक दृष्टि से जुड़े होते हैं। बृहस्पति ग्रह का कारक होने के कारण ही केले के पेड़ को घर के ईशान कोण में लगाकर उसकी पूजा करने का विधान है। घर के मुख्य द्वार और पिछले हिस्से पर केले के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। केले के पौधे के आसपास हमेशा ही साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर में बहुत ही जल्द धन धान्य से भरपूर होकर धन का आगमन करवाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके सदैव अपने घर में लाना चाहते हैं, आपके घर में हमेशा ही पैसे की बरकत बनी रहे, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने घर में जब भी आप केले का पेड़ लगाएं तो उसके तने पर एक लाल रंग का धागा अवश्य लपेट दें। केले के पौधे की जड़ में प्रतिदिन जल अर्पित करें। वैसे तो केले के पेड़ की हर रोज पूजा की जानी चाहिए, लेकिन कुछ खास अवसर जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और खास तौर पर के वीरवार के दिन तो केले के पेड़ की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करने के लिए आप केले के पेड़ के पास एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं और कच्चे दूध को केले के पेड़ की जड़ में आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए और केले के पेड़ के पास बैठकर आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से धनवान बनने की कामना करते रहने चाहिए। बिल्कुल भी शर्म या झिझक किए बिना आप माता लक्ष्मी का साक्षात वास मान करके केले के पेड़ के समक्ष बैठ जाएं और हाथ जोड़कर अपने आप को अमीर बनाने के लिए कामना करते रहें। प्रतिदिन ऐसा उपाय और पूजा करने से केले में विद्यमान साक्षात विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपको जल्दी धनवान बना देती हैं। घर में अगर संतान है और उनकी अगर सुखों की आप कामना करते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कभी कष्ट ना हो, तो केले के पेड़ का पौधा आपको घर में लाकर के अवश्य लगाना चाहिए। जिस प्रकार से केले का पौधा बड़ा होता जाएगा आपके घर में सुख समृद्धि भी उसी प्रकार से बढ़ने लगेगी। बृहस्पति ग्रह का शुभ फल आपको मिलने लगेगा। इतना ही नहीं बल्कि आपके घर में वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में कोई कठिनाई आ रही है तो वह सभी कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी। बच्चों की उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में केले का पेड़ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि केले के पेड़ को साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति से जोड़ा जाता है।
दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में ज्यादा धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय बजरंगबली।